छह गाड़ियां ड्यूजन बकी इंडिया में आई। कई इंडियन महाराजाओं ने इनको ऑर्डर किया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम एक अनोखे ऑटोमोटिव ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं। इसका नाम है ड्यूजनबर्ग और इसकी स्थापना हुई थी 1913 में अमेरिका में। ऑगस्ट और फ्रेडरिक ड्यूजनबर्ग दो भाई थे जर्मन लाइनेज के। उन्होंने ये ब्रांड स्थापन किया था। उन्होंने 1919 में विश्व की सबसे बढ़िया गाड़ियां बनाने का निश्चय किया। उनका गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट इंजन मैन्युफैक्चरिंग का जब कैंसिल हुआ वर्ल्ड वॉर वन के बाद में, तब ड्यूजनबर्ग ने गाड़ियां बनाने के व्यवसाय में पदार्पण किया। विश्व की सबसे बढ़िया गाड़ी बनाने का जो इन्होंने तय किया, उसको इन्होंने शेप दिया एंटायरली हैंड बिल्ड गाड़ियों के जरिए। जब इनकी गाड़ियां मार्केट में आई तो वो थी भी वैसे। उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो स्पोर्टी और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ियों की थी। तभी की जो इंडियानापोलिस रेस हुआ करती थी, उस रेस में ये गाड़ियां बेहद विजयी रही। 1922, 1924, 1925 और 1927 की जो इंडियानापोलिस रेस कामें हुई, उसमें ड्यूजनबर्ग गाड़ियां विजयी रही। 1921 से 1927 के दरमियान इन ड्यूजनबर्ग भाइयों ने मॉडल ए नाम की गाड़ी बनाई। ये हैंड बिल्ड थी, बड़ी ऊंची दर्जे की थी और बेहद सुंदर और स्पोर्टी भी। सबसे बढ़िया बात इनकी थी इनका परफॉर्मेंस। और 1926 और 27 के दरमियान एक मॉडल एक्स नाम की गाड़ी इन्होंने बनाई। ये गाड़ी मॉडल ए से स्पोर्टियर थी। कई लोगों का मानना है कि ये मॉडल ए का स्पोर्टियर वर्जन था। 1925 में ईएल कॉर्ड ने ड्यूजनबर्ग भाइयों के इस गाड़ियां बनाने के व्यवसाय में निवेश किया। इस डेवलपमेंट के चलते ऑगस्ट ड्यूजनबर्ग जो भाई थे वो इस व्यवसाय से कुछ हद तक दूर हो गए। इससे शुरू हुई ड्यूजनबर्ग गाड़ियों की एक नई जर्नी। ईएल कॉर्ड के इस व्यवसाय के साथ में जुड़ने के बाद में ड्यूजनबर्ग ब्रांड के अंडर कुछ सबसे बढ़िया लग्जरी स्पोर्ट्स कार बनी 1928 से लेके 1937 के दरमियान। जो ऑगस्ट भाई थे वो अपना एसोसिएशन ड्यूजनबर्ग ब्रांड के साथ में पहले ही थोड़ा कम कर चुके थे, मगर वो पूरी तरह से डिसएंगेज नहीं हुए थे इस व्यवसाय से। मॉडल ए और एक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल वे ड्यूजनबर्ग ब्रांड ऑफ कार्स के लिए इनोवेशन करते रहे। जो ड्यूजनबर्ग गाड़ियों में सुपर चार्जर देखा गया, जिसके वजह से इनका परफॉर्मेंस बेहद अधिक था, वो भी ऑगस्ट ड्यूजनबर्ग की ही इनोवेशन थी। 1919 से लेके 1929 तक ड्यूजनबर्ग ने केवल 200 गाड़ियां बनाई। इनमें से हर एक गाड़ी हैंड बिल्ड थी, सुंदर थी और अलग थी। जो मॉडल जे ड्यूजनबर्ग ने बनाया वो 265 HP की पावर बनाता था। एक स्ट्रेट इनलाइन 8 सिलेंडर का इंजन लगा था। ये गाड़ी दिखने में बहुत सुंदर थी और ये गाड़ी तभी के समय में 192 किलोमीटर पर आवर का मैक्सिमम स्पीड आराम से हासिल कर सकती थी। ये तभी की सबसे तेज और सबसे महंगी गाड़ी अमेरिका में मानी जाती थी। ये ड्यूजनबर्ग की मॉडल जे सुपर चार्जर के साथ में आती थी और बिना सुपर चार्जर के भी। इसका जो सुपर चार्ज्ड वर्जन था वो बहुत ज़्यादा तेज और आक्रामक था। ड्यूजनबर्ग गाड़ियों की जो बॉडी बिल्डिंग होती थी वो यूरोप और अमेरिका के सबसे माहिर बॉडी बिल्डर्स के जरिए होती थी। इस गाड़ी की चासी उसके प्लांट से इनके पास भेजी जाती थी और फिर जो इसे खरीदने वाले थे वो अपने टेस्ट के और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इन बॉडी बिल्डरों को बताते थे कि किनको गाड़ी कैसी चाहिए।
जो मॉडल जे थी वो शॉर्ट व्हील बेस में और लॉन्ग व्हील बेस में अवेलेबल थी। सुपरचार्ज्ड वर्जन था मॉडल जे का, वो एस जे करके बुलाया जाता था। हालांकि ये एस जे नाम अधिकृत नहीं पाया गया ड्यूजनबर्ग के रिकॉर्ड्स में। इसकी जो टॉप स्पीड थी वो उस समय 225 किलोमीटर पर आवर की थी। एक नॉन साइंक्रोमस गियरबॉक्स होने के बावजूद भी ये गाड़ी 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार सिर्फ 7 सेकंड में तय कर लेती। जो लिमिटेड एडिशन सुपरचार्ज मॉडल जे थी उसकी टॉप स्पीड थी 245 किलोमीटर पर आवर। इन गाड़ियों को जाना जाता था उसके लॉन्ग बोनेट के जरिए। इसका जो मैसिव स्ट्रेट इनलाइन 8 सिलेंडर का इंजन होता था उसके लिए कुछ जगह ही ऐसे चाहिए होती थी। इसके वजह से ड्यूजनबर्ग गाड़ियों की अपनी एक पहचान बन गई। इनकी और एक बड़ी पहचान होती थी इनके एक्स्ट्रा एग्जॉस्ट पाइप्स की वजह से। पाइप क्रीज्ड थे और क्रोम फिनिश के बाद में उनमें एक अलग सी चमक दिखाई देती थी। कुछ 6 गाड़ियां ड्यूजनबर्ग की इंडिया में आई। कई इंडियन महाराजाओं ने इनको ऑर्डर किया। ड्यूजनबर्ग की गाड़ियां कॉर्ड और ऑबन गाड़ियों के निर्माण में शामिल रही। जो ड्यूजनबर्ग के इंजिन्स थे वो इन गाड़ियों को भी पावर करने के लिए इस्तेमाल किए गए। अपनी एक नीश जो इन गाड़ियों ने बनाई वो ड्यूजनबर्ग के चलते थी। कॉर्ड और ऑबन गाड़ियां खूबसूरत थी, ग्रेसफुल थी, मगर ड्यूजनबर्ग गाड़ियों की बात ही कुछ अलग थी। जो इंडियन गाड़ियां ऑर्डर करी थी वो महाराजा ऑफ इंदौर, निज़ाम ऑफ हैदराबाद के अलावा कुछ और अमीर और रियायती लोगों ने ऑर्डर करी थी। इनमें से आज कोई भी गाड़ी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। एक हाथ दो गाड़ी शायद स्क्रैप हो गई हो। जो गाड़ियां इन महाराजाओं की थी वो आज अमेरिका और यूरोप के प्राइवेट कलेक्टर्स के पास होने की बात कही जाती है। इतनी शाही और महंगी थी ये ड्यूजनबर्ग गाड़ियां कि सिर्फ को जो रईस बैंकर्स थे, मर्चेंट्स थे और हॉलीवुड के जो सितारे थे वही अफोर्ड कर पाते थे। सबसे पसंदीदा गाड़ियां ड्यूजनबर्ग की थी, माहिर कोच बिल्डर्स ने बनाई हुई। ये एक बेहतरीन कस्टमाइज्ड मॉडल जे के रूप में पाई जाती थी। इनकी माहिर कोच बिल्डर्स के जरिए बनाई गई बॉडीज की कस्टमाइजेशन लेवल्स भी बहुत एडवांस्ड होती थी, स्पेशली मॉडल जे के ऊपर बनाई गई बॉडीज की और कुछ SSJ के नाम से बनाई गई सुपरचार्ज्ड ड्यूजनबर्ग कार्स की भी। ये जो SSJ सुपरचार्ज्ड कार्स थी वो बेहद डिमांड में थी और एक अल्टीमेट स्टेटस सिंबल के रूप में देखी जाती थी। इन कार्स में जो भी नई टेक्नोलॉजी तभी के समय उभर के आई उसको अप्लाई किया जाता था, जैसे कि रैम एयर इनटेक। कई सारी नई टेक्नोलॉजी ड्यूजनबर्ग गाड़ियों में आती गई, इनकी शान को बढ़ाते गई और इनकी शाही स्टाइलिंग को चार चांद लगाते गई। नए टेक्नोलॉजी का ड्यूजनबर्ग गाड़ियों में अप्लाई होना चलता रहा। जब ईएल कॉर्ड की फाइनेंशियल कंडीशन खस्ता हुई तब ड्यूजनबर्ग गाड़ियों की प्रोडक्शन थम गई। समय था 1937 के करीब, मगर ड्यूजनबर्ग गाड़ियों की कीमतें आसमान को छुई। वो समय था 1974 के करीब, जबकि ये गाड़ियां एक कलेक्टर आइटम बन गई। आसमानों को छूती इनकी कीमतें 1985 तक चली और उसके बाद में ये गाड़ियां मिलना भी बहुत रेयर हो गया। हैंड बिल्ट होने की वजह से इन गाड़ियों को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया ही नहीं गया था। दो ड्यूजनबर्ग
जो कि 1937 में और 1940 में बनाए गए थे लेफ्ट ओवर पार्ट से, वे हमसे कलेक्टर आइटम हो। ऐसा था ड्यूजनबर्ग का ऑरा के वे आज भी विश्व की फाइनेस्ट ऑटोमोबाइल्स मानी जाती हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इसको ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों के साथ में शेयर कीजिएगा।